Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I will discuss be at second year 2020 previous year paper environmental education paryavaran So student, let's start the paper environmental education paryavaran sitcha. This is paper be at second year annual examination environmental education. Paper code is E503. यह पेपर सितंबर 2020 में हुआ था सेशन 2018-2020 पेपर की टाइमिंग है टू आर्स मैक्सिमम मार्क्स 40 नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए इस पेपर में तीन सेक्शन है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सबसे पहले हम सेक्शन ए को स्टार्ट करेंगे खंड अ डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिस सेक्शन कंटेन्स थ्री क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस आंसर एनी टू क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी ट्वेल्व मार्क्स टू इंटू ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर सेक्शन ए चौबीस नंबर का है इस खंड में तीन प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न बारह अंक का है क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन ए explain the term man and his environment describe structure function and component of ecosystem मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कार्यों घटकों का वर्णन कीजिए अथवा discuss the meaning causes and effect of greenhouse effect हरित गृह प्रभाव के अर्थ कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेक्शन ए डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए वाई is इंडिया considered as मेगा diversity नेशन एक्सप्लेन भारत को बृहद विविधता वाला राष्ट्र क्यों माना जाता है व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन ए वॉट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर व्हाट आर द काजेस ऑफ इंक्रीजिंग स्कैरिटी ऑफ वाटर गिव सजेशन फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं जल के बढ़ते अभाव के क्या कारण हैं? जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिए अथवा वेरियस एफर्ट्स कैरिड आउट बाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास क्या हैं? इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है नाउ आई विल डिस्कस सेक्शन बी खंड व शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लघु प्रश्न नोट दिस सेक्शन कंटेंट एट क्वेश्चन आंसर एनी टू क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी फोर मार्क्स टू इंटू फोर इज क्वाल टू एट यह सेक्शन एट नंबर का है इस खंड में आठ प्रश्न दिए गए हैं किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न चार अंक का है इट मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन बी एक्सप्लेन ओजोन लेयर डिप्लेशन इन ब्रीफ ओजोन परत क्षरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेक्शन बी इट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाई एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यू पर्यावरण नैतिकता और मूल्यों से आप क्या अर्थ निकालते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शन बी थर्ड क्वेश्चन मेंशन इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरमेंट मनुष्य और पर्यावरण पर खनन के प्रभाव का उल्लेख कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ सेक्शन बी एक्सप्लेन फूड वेब्स इन ब्रीफ खाद जालों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर एट सेक्शन बी व्हाट इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जल भराव व लवड़ता क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ सेक्शन बी गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइए क्वेश्चन नंबर टेन सेक्शन बी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण के क्या कारण हैं क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ सेक्शन बी वॉट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पल्यूशन उसमें प्रदूषण के क्या कारण और प्रभाव हैं इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट हो जाता है अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे जानेंगे खंड स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अति लघुत्रीय प्रश्न दिस सेक्शन कंटेन्स टेन क्वेश्चन आंसर एनी एट क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स एट इन टू वन इज टू एट सेक्शन सी आठ नंबर का है नोट इस खंड में दस प्रश्न दिए गए हैं किन्नी आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ सेक्शन सी इट मीन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ सेक्शन सी हैज क्वाइंट द टर्म इको सिस्टम इको सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था क्वेश्चन नंबर थर्टीन इट मींस सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का पूर्ण रूप क्या है फोर्टीन क्वेश्चन सेक्शन सी राइट टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत लिखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ पंद्रहवा क्वेश्चन वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सोलहवा क्वेश्चन सेक्शन सी द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन किस दिन मनाया जाता है डॉट डॉट है विश्व पर्यावरण दिवस ब्लैंक को मनाया जाता है सत्रहवा क्वेश्चन सेक्शन सी विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है अठारवा क्वेश्चन सेक्शन सी रण की कच्छ इज फेमस फॉर विच एनिमल कच्छ का रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है नाइनटीन क्वेश्चन उन्नीसवा क्वेश्चन एन जी सी स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म बताना है ओ एन जी सी से तात्पर्य है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर डॉट डॉट लिखना है आपको बीसवा क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉच स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ट्वेंटी वन क्वेश्चन इक्कीसवा क्वेश्चन नेशनल पार्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रायना सोर्स एज गेंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान फिलिंग द ब्लैंक है यहाँ पे आपको फिल करना है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम जहाँ पे गेंडा के संरक्षण से है रैना से रिलेटेड इस तरह से इस पेपर का सेक्शन सी मैंने कंप्लीट किया स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज स्कोर को सब्सक्राइब और आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे